आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। आपने गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जारी की नवीं लिस्ट, अब तक 118 को मिला टिकट। ₹1984 सिख विरोधी दंगा मामला, हाई सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मिली एसआईटी रिपोर्ट, अदालत को दी गई फर्जी मुकदमे की जानकारी। उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी का सतीश पर निशाना साधा, बिहार में पाकिस्तान मत बनाइए। बलात्कारियों को हो सार्वजनिक रूप से फांसी, मध्य प्रदेश सरकार से मंत्री उषा ठाकुर ने की मांग। तमिलनाडु में राज्यपाल को हटाने के लिए सभी पार्टियों में एकजुट करने में जुटे डीएमके, कांग्रेस का मिला साथ। भारत जोड़ो यात्रा में नए रूप में दिखे राहुल गांधी, पहले खुद को मारे कोड़े, फिर किया गया तेलंगाना का लोक नृत्य। त्रिपुरा में बीजेपी कांग्रेस समर्थकों में हुई थी झड़प, पुलिस ने 4 कार्यकर्ता को किया गिरफ्तार। मुंबई के अस्पताल में मिला ब्रिटिश काल का सुरंग, डिलीवरी वार्ड से बच्चों के वार्ड तक जाती है सुरंग, 130 साल पुराना इतिहास। दिल्ली एनसीआर में हवा फिर दम घोटू, दिल्ली में डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन, नोएडा में 8वीं तक के स्कूल बंद। झारखंड में 2 कांग्रेस विधायकों पर ईडी और आईटी की रेड, एमएलए कुमार जयमंगल सिंह और प्रदीप यादव के ठिकानों पर कार्रवाई। गुजरात में सियासी सरगर्मियां तेज, आप सीएम उम्मीदवार का करेंगे ऐलान, राहुल भी कर सकते हैं चुनावी राज्य का दौरा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रवासी मजदूरों पर हमला, स्कूल में काम कर रहे मजदूरों पर आतंकियों ने गोली चलाई, हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसा, बस कार की टक्कर में 11 की मौत। केसीआर ने पार्टी एमएलए को रिश्वत देने के मामले में पेश किया वीडियो, बीजेपी पर लगाया आरोप। केरल में सीएम गवर्नर आमने सामने, राज्यपाल आरिफ बोले स्मगलिंग करने वाले को सीएमओ दे रहा है संरक्षण। बस्ती में ट्रक ने 3 को रौंदा, मौके पर मौत, बाइक सवार दोस्तों को 500 मीटर घसीटा, पंचकोसी परिक्रमा करने जा रहे थे अयोध्या। एसटीएफ की छापेमारी के बाद 5 पेट्रोल पंप सील, मेरठ की मशीनों में चिप के 7 मदरबोर्ड भी चेंज मिले, 33 लीटर पर 1 लीटर की घटतौली कर रहे थे। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर 2 हादसे, कैंटर से टकराकर एम्बुलेंस के पर कच्चे उड़े, 1 की मौत, रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी। बागपत पुलिस ने गोलीकांड का किया खुलासा, 4 महीने पहले दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए चलाई थी खुद पर गोली, 2 हुए गिरफ्तार।
ओनील हत्याकांड में चौथे दिन भी पुलिस के हाथ खाली, दोस्त गर्लफ्रेंड और स्कूल के बीच उलझी। हत्याकांड की जांच, न्यायिक उपरिषद सड़क पर उतरी। बलिया में अज्ञात वाहन ने रिक्शा को मारी टक्कर, एक महिला की मौत, पांच घायल। एकादशी पर गंगा स्नान करने जा रही थी। औरैया में महकमे की थाले ने एसपी चारू बनी सरिता, एसपी ने रची झूठी लूट की साजिश, बाइक से घटनास्थल गई, वीडियो वायरल। लखनऊ में गली में फंदा डालकर पेड़ पर चढ़ा युवक, योगी से मिलने पर अड़ा, केजरीवाल की तस्वीर वाले पोस्टर नीचे फेंके। कुशीनगर में एआरटीओ की गाड़ी से अवैध वसूली, हाईवे पर अंडरलोड ट्रकों से कागज पूरे होने के बाद भी एंट्री के नाम पर वसूले पैसे। अमेठी में पुलिस लाइन में एसपी ने परेड की सलामी ली, पुलिसकर्मियों से लगवाई दौड़ और दंगा नियंत्रण उपकरण को किया चेक। रायबरेली में शराब के नशे में चली लाठियां, ठेके पर कहासुनी के बाद दबंगों ने की मारपीट, तीन घायल, पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज। हमीरपुर में डेंगू और वायरल बुखार के बढ़े मामले, स्वास्थ्य विभाग ने लिया ब्लड सैंपल, सीएम बोले एंटी लार्वा का करवाया जा रहा है छिड़काव। दलित की हत्या में फर्जी लोगों ने दी थी गवाही, मुजफ्फरनगर में 10 साल तक लटका रहा केस, 2011 में हुआ था मर्डर। भाई ने तके से मुंह दबाकर की बहन की हत्या, बॉयफ्रेंड से करना चाहती थी कोर्ट मैरिज, आखिरी ऑडियो से हुआ खुलासा। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, जलालाबाद दवा लेने गया था, घर लौटते समय फर्रुखाबाद में हुआ हादसा। डेंगू की चपेट में आए प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम सिटी अस्पताल में भर्ती, एसीएम सात को गंभीर स्थिति में पीजीआई शिफ्ट किया गया। सीतापुर में 300 बाइक चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार, नेपाली नकदी सहित चोरी की 6 बाइक बरामद, लखीमपुर के निवासी हैं चारों बदमाश। मेरठ में भाजपा नेता सुसाइड केस में पत्नी पर एफआईआर, मां बोली बहू का दोस्त देता था बेटी को धमकियां, कहता था तुझे यहां पीटूं या तेरे घर को। जालौन में मिले खसरा के 5 मामले, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के लिए भेजे बच्चों के सैंपल का, हर सप्ताह होगी निगरानी। नोएडा में सांसद महेश शर्मा के करीबी पर जानलेवा हमला, शरीर में कई जगह फ्रैक्चर, आईसीयू में एडमिट। श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में रहने वाले स्वामी ने फांसी लगाई, वाराणसी के लक्सा क्षेत्र की घटना, पुलिस ने शव को भिजवाया पोस्टमार्टम के लिए। कानपुर में दबंगों ने गरीब परिवार पर किया हमला, किदवई नगर में सरेआम की मारपीट, घर पर घर किया तहस नहस। इटावा में मेडिकल स्टोर संचालक से मारपीट, गाड़ी हटाने के लिए कहने पर स्टोर संचालक को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। फतेहपुर में फांसी के फंदे से लटकी मिली विवाहिता, पति ने बुलाई पुलिस, मायके वाले बोले दहेज के लिए ससुराल वालों ने मारकर लटकाया। बिजनौर में डंपर की टक्कर से 3 छात्राएं घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, स्कूल जाने के लिए कर रही थी बस का इंतजार।
अम्बेडकर नगर में डेंगू का प्रकोप जारी। जिले के डेंगू के मरीज 173 के पार, सरकारी आंकड़ा। रामनगरी अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा का हुआ शुभारंभ। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता महंत सहित संत महंतों ने शुरू की पंचकोशी परिक्रमा। चंदौली में तालाब में मिला अज्ञात युवक का शव। सूचना के बाद पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में अज्ञात लोगों पर किशोर बंधक बनाकर रखने का लगा आरोप। चंगुल से छूटने के बाद किशोर ने आपबीती बताई। राजधानी में दबंगों ने पैथोलॉजी सेंटर में घुसकर संचालक को पीटा। संचालक की पिटाई का स्टरलाइटर मशीन साथ ले गए बदमाश। उत्तराखंड में लोक संस्कृति के पर्व का उल्लास आज। गृह मंत्री अमित शाह सहित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के लाखों परिवारों के बनाए जाएंगे नए पहचान पत्र। सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। उत्तराखंड के ऋषिकेश थाने से भागकर गंगा में कूदे केदार भंडारी के पिता की याचिका। इंस्पेक्टर व दारोगा पर मुकदमा। केदारनाथ में -20 डिग्री तापमान में भी पुलिस करेगी धाम की सुरक्षा। शीतकाल में 12 पुलिसकर्मी देंगे ड्यूटी। उत्तराखंड के रामनगर के मोहान में पूर्व सीएम ने चलाया जाम। बढ़ के यात्रियों से नोकझोंक। हरदा बोले विरोध किया जाए तो लौट जाऊंगा। हरीश रावत की सीएम धामी को चुनौती का धाकड़ है तो सतपाल महाराज और गणेश जोशी को मंत्री पद से हटाकर दिखाएं। उत्तराखंड में विधायक उमेश ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के खिलाफ खुला मोर्चा। औद्योगिक सलाहकार के खिलाफ ईडी से जांच की उठाई मांग। उत्तराखंड में कमलेश आत्महत्या के बहाने यशपाल ने सरकार पर बोला हमला। अग्निवीर के भर्ती मानकों पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से बढ़ेगी सर्दी। 6 नवंबर से मौसम बदल सकता है करवट। उत्तराखंड के रूट के अलग तरीके से जन्मदिन मनाने के चक्कर में बुरे फंसे युवक पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की में ट्यूशन से लौट रही छात्रा के साथ दूसरे समुदाय युवक ने की छेड़छाड़। गांव में पीएससी तैनात। उत्तराखंड के कुमाऊं में कारोबारियों से रंगदारी मांगने व फायरिंग पर डीजीपी सख्त का अधिकारियों को कड़ी निर्देश के। उत्तराखंड में रुड़की में चिप्स कारोबारी से 7.50 लाख लूटने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने गंगनहर पटरी से दबोचे एक अभी भी फरार है। उत्तराखंड परिवहन मंत्री का ऐलान। हर जिले और ब्लॉक तक जाएगी रोडवेज बस। हरिद्वार व काठगोदाम में बनेगा ICFBT। बंदी के निर्देश। 38वें राष्ट्रीय खेल में 38 स्पर्धाओं को करें शामिल। पुतिन ने दिखाई महाविनाशक ताकत। अमेरिका किलर बुलावा मिसाइल का नई रूसी परमाणु पनडुब्बी में टेस्ट।
दफ्तर के रास्ते पर हैं तो घर लौट जाएं, ट्विटर का कर्मियों को ईमेल, ऑफिस में स्टाफ के आने पर रोक, छटनी शुरू। आतंकवाद के समर्थक देशों को बाहर निकाले, विदेश सचिव क्वात्रा का सुरक्षा परिषद में आह्वान। बाइडेन प्रशासन ने सीनेट से की भारत में राजदूत के नाम की पुष्टि करने की मांग, एक साल से लंबित है नियुक्ति। बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल चुनाव जीतने के बाद गाजा पट्टी ने किया हमला, दागे 4 रॉकेट। इजराइल चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की जीत, पीएम मोदी बोले दोस्त को बधाई, भारत के साथ जल्द हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इमरान के हमलावर का कबूलनामा, कहा खान को मारने आया था, अजान के वक्त डीजे बजाते थे, अफसोस की बच गया। रूस के डर्टी बम के दावे निकले फर्जी, यूएन के न्यूक्लियर एजेंसी को यूक्रेन में नहीं मिले कोई सबूत। चीन ने धरतीवासियों को फिर से डाला खतरे में, अंतरिक्ष से जमीन पर गिरेगा 25 टन वजनी रॉकेट, मलबा। हमले के बाद बोले इमरान खान, अल्लाह ने दूसरा जीवन दिया, वो मुझे मारना चाहते हैं, लड़ाई जारी रहेगी। बाजू के ब्रांड एम्बेसडर बने लियोनेल मेसी, कंपनी ने छटनी के बीच मेसी के साथ कोलैबोरेट किया। दुनिया के कुछ हिस्सों में ट्विटर डाउन, यूजर्स को लॉगिन करने में आ रही समस्या, दिखा रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। सोयाबीन तेल 4 साल में 66% महंगा, पेट्रोल कीमतें काबू में नहीं, महंगाई पर 6 साल में पहली बार विशेष बैठक की। ट्विटर के आधे एम्प्लॉयज की होनी है छटनी, एलन मस्क ने करीब 3,700 कर्मचारियों को करेंगे बाहर। भगोड़े विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट में वकील ने केस लड़ने से किया इनकार, बोले लंबे समय से माल्या संपर्क में नहीं। अडानी विल्मर का मुनाफा 73% घटा, नेट प्रॉफिट 182 करोड़ से गिरकर 48.760 करोड़ पर आए, खर्च अभी भी 6% बढ़ा। रांची में कांग्रेस विधायक के आवास पर आयकर छापा, सेना की जमीन कब्जाने वालों पर ईडी की दबिश। सीएमआईई का दावा, ग्रामीण रोजगार घटने से बेरोजगारी बढ़ी 7.8%, सितंबर में 4 साल के निचले स्तर पर थी दर। आठ लाख मुखौटा कंपनियों पर ताला, 40,000 का पंजीकरण रद्द, कॉरपोरेट मामले में मंत्रालय ने की जांच। निर्मला सीतारमण का बयान, बोली नीतिगत स्थिरता और पारदर्शिता के लिहाज से भारत निवेश के लिए बेहतर जगह। जोशुआ लिटिल ने ली सुपर 12 की पहली हैट्रिक, टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने दूसरे आयरिश गेंदबाज। चेन्नई सुपर किंग के साथ बने रहेंगे जडेजा, टीम मैनेजमेंट उनको रिलीज करने को राजी नहीं, 15 नवंबर तक रिटेन खिलाड़ियों को देनी होगी सूची।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं पता क्रिकेट के नियम, रिव्यू न लेने पर ट्रोल हुए नवाज। शाहिद अफरीदी का बयान, बोली भारत को हर हाल में सेमीफाइनल में पहुंचाना चाहती है आईसीसी। आईसीसी की बैठक में जय शाह करेंगे बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व, आईसीसी चुनाव लड़ सकते हैं सौरभ गांगुली। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 33 रन से हराया, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी भी कायम, शादाब का ऑलराउंड परफॉर्मेंस। करो या मरो मैच से पहले चोट पर बोले फिर जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, यदि मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं नहीं खेलूंगा। बाबर आजम की फिर से फूटी किस्मत, रबाडा ने कमाल का कैच लेकर मचाई सनसनी। इमरान खान पर हमले के बावजूद आयरलैंड ने रद्द नहीं किया पाकिस्तान दौरा, आज खेला जाएगा पहला वनडे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए संजू सैमसन ने शुरू की तैयारी, मैदान पर जमकर बहाए पसीना। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई गौरी खान, कैजुअल लुक में दिखा स्वैग, फैंस बोले सो यंग एंड ब्यूटीफुल। राजीव ने चारू द्वारा लगाए गए आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले चारू का करण मेहरा संग अफेयर चल रहा था। रेखा ने जानवी कपूर पर खूब लुटाए पैर, जानवी को देखते ही गले लगा लिया, गले मिली की स्क्रीनिंग में हुई दोनों की मुलाकात। सिंगर पलक उछल की शादी में परोसे जाएंगे दाल बाफले, रिवार ने बताया इंदौर की बेटी को क्यों भाई संगीतकार मिथुन। विक्की कौशल ने मां से कराई चंपी, अलग अंदाज में मां को किया बर्थडे विश, आपकी मार और मालिश दोनों में सुकून है। फोन बूथ पे साथ दिखेंगे ईशान खट्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी बोले शूटिंग शुरू होने से पहले ही टूट गया था डायरेक्टर का पैर। सत्ताईस साल बाद सिनेमा हॉल में दोबारा लगेगा डीडीएलजे, फैंस ने लुटाया प्यार, फिल्म में ने एक दिन में 23 लाख का कलेक्शन किया। बैड एस रवि कुमार का टीजर रिलीज हुआ, रवि कुमार बनकर वापस लौटे हिमेश रेशमिया, एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर होगी ये फिल्म। प्रियंका के फिल्म लव अगेन का फर्स्ट लुक आउट, सैम ह्यूगन के साथ दिखेगी केमिस्ट्री, फरवरी की जगह अब 12 मई को रिलीज होगी ये फिल्म। अवतार द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर रिलीज हुआ, फिल्म में दिखी पेंडोरो सुंदरिया की दुनिया, 16 दिसंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात